आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 पर आधारित विशेष कार्यक्रम गोल फॉर ग्लोरी। Goal for glory. नमस्कार, बुधवार 12 दिसंबर 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप से ताजा खबर है कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल्स में पहुंच चुके हैं। आप सुन रहे हैं हॉकी पर हमारा विशेष कार्यक्रम गोल फॉर ग्लोरी। मैं हूं अमित अरोरा और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मनोहर सिंह रावत और प्रदीप कुमार अग्रवाल के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। यहां आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोस में हॉकी पर चर्चा के लिए मेरे साथ हैं राकेश थपलियाल, खेल पत्रकार। राकेश जी नमस्कार। अमित, आपको और सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुक्रिया। सबसे पहले जो अभी दूसरा क्वार्टर फाइनल सम्पन्न हुआ उसके आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया डिफेंडिंग चैंपियन, 3-0 से आसानी से फ्रांस पर जीत। बिल्कुल एक तरफा मैच था, जैसे एकदम वर्ल्ड की टॉप रैंक टीम और 20वें रैंक की टीम का जो अंतर होता है वो साफ इसमें दिखाई दिया। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस मैच को जीता। हालांकि एक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रहा कि फील्ड गोल नहीं करने दिए, फ्रांस की ये एक उपलब्धि हो सकती है। पेनल्टी कॉर्नर पर 3 गोल हुए तो मैदानी गोल ऑस्ट्रेलिया को करने नहीं दिए, ये एक फ्रांस की उपलब्धि इस मैच की कही जा सकती है। और क्या आप कहेंगे ये पैटर्न भी है कि आजकल फील्ड गोल कम और पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन गोल ज्यादा देखने को मिलते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए पेनल्टी कॉर्नर पे क्या बहुत बड़ा चांस आपके पास होता है करने का, लेकिन बहुत से गोलकीपर बड़े अच्छे इस वर्ल्ड कप में दिखाई दे रहे हैं जो पेनल्टी कॉर्नर में काफ़ी सफल है, रोकते हैं अच्छे ढंग से रोकते हैं। तो लेकिन ये वर्ल्ड कप ऐसा है इसमें दोनों तरह के गोल दिखे, पेनल्टी कॉर्नर पर भी गोल दिख रहे हैं और फील्ड गोल भी काफ़ी दिख रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। और साफ सुथरे गोल होते हुए दिखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है इसमें। जी, ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को 3-0 से हरा दिया है। पहला गोल खेल के 4th मिनट में जेरी हावर्ड ने किया। किस तरह देखते हैं कि शुरुआत फर्स्ट क्वार्टर के 4th मिनट में ही आ गई? बिल्कुल, और तीनों क्वार्टर में उन्होंने असल में गोल किए, ये एक उनकी एक अच्छा रहा उनके। और मुझे लगता है जब शुरुआत में ही गोल आपको मिल जाता है तो उसके बाद दूसरी टीम के पास इसके कोई वैसा मौका नहीं रहता कि भाई क्या करें। जब शुरुआत में आपके ऊपर गोल हो जाता है टीमें दब जाती हैं। अमित, मैंने पहले भी कहा है कि जो आधुनिक हॉकी है उसका मंत्र यही है कि आप गोल करो। फ्रांस ने यहाँ पर यह गलती की कि आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होकर खेलेंगे तो आप मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा। गोल आपके ऊपर होंगे लेकिन आप भी अगर विपक्षी टीम पर गोल करते रहेंगे तो उनके ऊपर भी दबाव रहेगा। जी, और गोवर्स ने भी आज 19वें मिनट में गोल किया। अगर हम देखें तो लीडिंग स्कोरर हैं, गोवर्स पे काफी निर्भर रहती है ऑस्ट्रेलियाई टीम। बिल्कुल, उनके टॉप रैंक के प्लेयर हैं, वो बहुत जबरदस्त खेल यहाँ पर दिखाते हैं, लेकिन अगर वो फील्ड गोल भी करते हैं मुझे लगता है इस पर ऑस्ट्रेलिया की टीम तो इस मैच का मजा कुछ और होता। जी, लेकिन जैसा आपने कहा कि फ्रांस को समझना होगा कि गोल करना जरूरी है। पूल ए में अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, स्पेन के साथ फ्रांस था और दूसरे पायदान पे रहा। 3 मैचेस में 1 जीत 1 ड्रॉ 1 लॉस। किस तरह देखते हैं फ्रांस की यात्रा को? स्पेन के साथ 1-1 का ड्रॉ रहा, अर्जेंटीना को 5-3 से हराया और फिर चाइना को 1-0 से। देखिए मेरे हिसाब से फ्रांस की टीम इस वर्ल्ड कप के अंदर आप देखेंगे तो एक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टीम के रूप में जानी जाएगी। आज मैच भले ही उसका एक तरफा रहा लेकिन जिस तरीके से उसने किया है, 28 साल के बाद वो वर्ल्ड कप खेल रहे थे, वर्ल्ड कप में खेलने का कोई अनुभव जिन खिलाड़ियों के पास ना हो उनके लिए कितना मुश्किल होता है, वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना उनके लिए बड़ी बात थी। उसके बाद जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया और अर्जेंटीना जैसी जो ओलंपिक चैंपियन टीम को अगर आप हरा दें तो वो बहुत बड़ी चीज़। चलिए, जो दूसरा मुकाबला आज पहला क्वार्टर फाइनल था उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूँगा। अर्जेंटीना क्योंकि ओलंपिक चैंपियन है तो बहुत उम्मीदें उससे थी। आज इंग्लैंड के खेल को किस तरह देखेंगे? संघर्ष रहा काफ़ी, हालांकि इंग्लैंड 3-2 से जीता। बिल्कुल, काफ़ी संघर्ष था और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अर्जेंटीना की टीम इंग्लैंड के खिलाफ दबाव में खेल रही थी। तीसरे क्वार्टर तक अगर आप देखें तो 1-1 से दोनों बराबर थे। लास्ट क्वार्टर के अंदर 3 गोल जो हुए हैं बहुत ज़बरदस्त, इंग्लैंड की टीम ने बहुत अच्छे ढंग से उनका सामना किया। लगातार 3री बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में उन्होंने प्रवेश किया है तो बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका माना जाएगा। और मुझे लगता है कि टीम जो इतनी बड़ी टीम होती है वो थोड़ा सा इतना दब के खेलेंगे, बहुत परेशान हो गए आखिरी के क्वार्टर में, आखिरी के जो 5 मिनट मैच के थे उन्होंने गोलकीपर को भी विड्रॉ कर लिया, बिना गोलकीपर के वो खेले वहाँ पर जी। तो गोलकीपर भी सब फॉरवर्ड लाइन में उनके आ गए तो काफ़ी डेस्परेट लग रहे थे लेकिन उन्होंने तरीके से खेला नहीं। मैच के अंदर काफ़ी फाउल्स देखने को मिले, बार बार मैच गेम रुका तो मुझे लगता है कि अर्जेंटीना ने वो अपने लेवल का गेम दिखाया नहीं जिसके लिए वो जानी जाती है। हालांकि पहला गोल अर्जेंटीना ने ही किया था, 1-0 की बढ़त ले ली और दोनों ही गोल उनके जो स्टार खिलाड़ी हैं गोंजालो पेलाट उन्होंने किए, पहला 17th मिनट में और फिर 48th मिनट में। बिल्कुल, ये जो है ना अपने इनके जो दो एक मेन खिलाड़ी हैं उनके ऊपर ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं तो ये मुझे लगता है अर्जेंटीना के टीम वर्क
आपकी जो है ना टीम वर्क होता है, आपको सारे खिलाड़ियों के साथ मिल के चलते, जब आप एक दो खिलाड़ियों पर डिपेंड हो जाते हैं तो वहीं आपको नुकसान होता है। अब गोल तो कर दिए उन्होंने दो, लेकिन आप मैच हार गए, ये एक चीज़ है। और जो खिलाड़ी हैं उनको भी गोल करने की दिशा में बढ़ना चाहिए था, वो वैसा देखने को नहीं मिला। और इंग्लैंड के गोलकीपर ने बड़े अच्छे बचाव भी यहाँ पर किए, और पेनल्टी कॉर्नर भी काफ़ी इन्होंने बेकार अपने किए अर्जेंटीना ने जी, उसका नुकसान उनको हुआ। इंग्लैंड ने जो तीन गोल किए उसमें पहला गोल खेल के 27th मिनट में मिडिल्टन ने किया, 45th मिनट में सेलनन ने किया और 49th मिनट में मार्टिन ने। लेकिन एक हमने देखा है हॉकी में प्रचलन कि जो मैन ऑफ द मैच होता है ज़रूरी नहीं जिसने गोल किया है। आज मैन ऑफ द मैच लायम एंसल रहे क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा प्ले बनाया। बिल्कुल, एंसल ने की खासियत ये थी कि उन्होंने गोल पे अटैक भी बहुत किए। वो एक चांस है कि गोल उनके नाम नहीं जुड़ पाया, लेकिन जो गोलों में उन्होंने भूमिका निभाई है वो बड़ा ज़बरदस्त किया। युवा खिलाड़ी हैं, बहुत बेहतरीन उन्होंने प्रदर्शन किया। और जिस तरह से उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में विश्व कप का आयोजन भारत कर रहा है, आप माहौल को कैसे देखते हैं? हमने देखा जब आंखों देखा हाल चल रहा था तो क्वार्टर्स के ब्रेक में पूर्व राज्यसभा के सदस्य मशहूर हॉकी खिलाड़ी दिलीप टर्की भी अपनी बात साझा कर रहे थे। नहीं बिल्कुल, दिलीप टर्की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उड़ीसा के खिलाड़ियों के लिए, और संसद तक पहुंचे, हिंदुस्तान के कप्तान रहे हैं, तो बहुत ज़बरदस्त उनका प्रदर्शन रहा है। और यहाँ पर एक मज़ेदार चीज़ है कि ये बताया जा रहा है कि स्टेडियम तो बिल्कुल फुल था ही, और बाहर भी लोग खड़े थे इस उम्मीद में कि भाई कोई अगर अपने साथ ले जाए, किसी के साथ कोई टिकट किसी पे फालतू हो तो हम अंदर चले जाए। लेकिन बहुत ज़बरदस्त, एक बड़ी बात है कि हिंदुस्तान की टीम उसमें खेल नहीं रही हो जिस दिन, उस दिन इतनी भीड़ होना हॉकी के अंदर एक बड़ी चीज़। तो लगातार जब से टूर्नामेंट शुरू हुआ है, चाहे भारत खेल रहा है, जब भारत खेलता है तो लाजमी है, नहीं भी खेल रहा तो भी खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, और इसके लिए जो हॉकी इंडिया और उड़ीसा की जो सरकार है उसका बड़ा योगदान एक माना जाएगा कि आपने हॉकी को इतना पॉपुलराइज़ किया अपने एरिया के अंदर कि लोग उसको देखने के लिए मैचेस आ रहे हैं, और लोगों को बड़ा अच्छा उड़ीसा में इससे आपको पता लगता है कि हॉकी के प्रति कितना प्रेम है, कि जब दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमें, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आपके सामने खेल रहे हों तो आप उनको टिकट खरीद के देखते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी भविष्य के बनना चाहते हैं वो भी उनको देख के सीखने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। जी, तो 12 दिसंबर को जो दो क्वार्टर फाइनल हुए उसके नतीजे तो हमारे सामने हैं। ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को 3-0 से हराया और सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। वहीं इंग्लैंड ने अर्जेंटीना को 3-2 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। लेकिन कल जो दो क्वार्टर फाइनल होने हैं, जर्मनी बनाम बेल्जियम और भारत बनाम नीदरलैंड्स, उस पर भी हम बातचीत करेंगे राकेश थपलियाल जी के साथ। आप सुन रहे हैं पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 पर आधारित आकाशवाणी दिल्ली का विशेष कार्यक्रम गोल फॉर ग्लोरी। गोल फॉर ग्लोरी में आप सभी का स्वागत है। इंडिया वर्सेस द नेदरलैंड्स, राकेश जी, क्रैकर ऑफ द मैच होने की संभावना? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त मैच होगा, और इतिहास जो है वो भारत के खिलाफ इसमें दिखाई देता है। अच्छा। लेकिन दो कहावतें हैं कि एक कहता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, दूसरा कि दुनिया में वो लोग जाने जाते हैं जो इतिहास को लिखते हैं, उनको दुनिया याद रखती है। तो भारतीय टीम के पास ये मौका है कि पिछले 6 मुकाबलों में वर्ल्ड कप के अंदर वो कभी नीदरलैंड्स को हरा नहीं पाए हैं, एक ड्रॉ उन्होंने जरूर उनसे कराया है, तो ये एक रिकॉर्ड है, इतिहास है, इसको वो बदलना चाहेंगे। 43 साल के बाद भारतीय टीम के पास सेमीफाइनल में पहुँचने का मौका आया है। उससे जब 1975 में हमने वर्ल्ड कप जीता था कुआलालंपुर में, तब हम सेमीफाइनल खेले थे अंतिम बार जी। उसके बाद से अब हमारे पास मौका होगा कि हम यहाँ पर खेलें सेमीफाइनल फिर से। तो मुझे लगता है कि भारतीय खिलाड़ी चाहेंगे कि वो यहाँ पर इतिहास रचें, लेकिन एक नीदरलैंड्स के रूप में एक बड़ी मजबूत टीम उनके सामने है। जी बिल्कुल, 1975, 43 साल पहले एकमात्र बार ऐसा हुआ था कि भारत हॉकी के विश्व कप का चैंपियन बना था, उसके बाद नॉकआउट में अब पहुंचा है। लेकिन अगर हम नीदरलैंड्स की बात करें, क्योंकि नीदरलैंड्स पूल डी में नंबर 2 पे था, तो क्रॉसओवर मुकाबला खेला था उसने और कनाडा को 5-0 से हराया, तो उसने एक मैच ज़्यादा खेला है, तो क्या एडवांटेज हो सकता है? क्योंकि भारत तो अपने पूल में शीर्ष स्थान पे था, पूल सी में, तो सीधा क्वार्टर फाइनल्स में आ गया। नहीं नहीं, ये कोई एडवांटेज वाली बात नहीं है, भारत कॉन्फिडेंट टीम है, बिना हारे अपने पूल को टॉप किया हिंदुस्तान ने जी। और 5वीं रैंक की टीम है, नीदरलैंड 4थे रैंक की टीम है, तो रैंकिंग भी दोनों के आसपास की है। मैच बड़ा अच्छा होगा, और भारतीय टीम खिलाड़ी हमारे बड़े कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि पूल में टॉप में रहना, आप इतने दिन पहले एकदम से आश्वस्त हो गए कि भाई आप हैं, आपको तैयारी का मौका मिला, और मुझे लगता है कि भारतीय खिलाड़ी इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। नीदरलैंड्स के पक्ष में एक अच्छी बात जो आपने जैसे बताया कि नीदरलैंड ने 18 गोल किए और 5 खाए जी, ये एक अच्छी बात है कि उसने गोल किए। भारत ने भी हालांकि 12 गोल किए पूल मैचों में और 3 खाए, लेकिन नीदरलैंड्स को एक मैच फालतू मिला, पर उसने बड़ी जीतें दर्ज की। अगर आप देखें तो उन्होंने जर्मनी से जरूर हारे हैं वो,
लेकिन 1-4 से, लेकिन मलेशिया को 7-0 से हराया, दक्षिण अफ्रीका को 5-1 से हराया, पाकिस्तान को 5-1 से हराया, तो जीत उन्होंने बड़े दर्ज किया, गोल बहुत किए हैं। तो ये मुझे लगता है भारत के लिए इससे थोड़ा सा हमारे जो रक्षा पंक्ति है उसको बहुत ध्यान देना होगा कि ये टीम गोल करने वाली टीम है। जी, और भारत की जर्नी देखें तो साउथ अफ्रीका को 5-0 से हराया, फिर बड़ा मुकाबला बेल्जियम के साथ 2-2 पे ड्रॉ रहा, और कनाडा को 5-1 से हराया। अंतिम सवाल राकेश जी, जो क्वार्टर फाइनल एक और होना है कल, जर्मनी और बेल्जियम का, दो यूरोपियन जायंट्स। देखिए, जर्मनी एक ऐसी टीम है जो पूल में टॉप की, जिसने कोई मैच हारा नहीं, 9 अंक उसके रहे हैं। तो एक आपने कहा जैसे जॉइंट टीम है, बहुत ज़बरदस्त खेलती है, तो मुझे लगता है कि जर्मनी के पास अच्छा चांस होगा यहाँ पर। लेकिन नॉकआउट मैच क्या होता है, फिर नॉकआउट हो जाता है वो, उसमें आप पुराना इतिहास सब भूल जाइए, उस दिन आप पर्टिकुलर कैसा खेलते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, तो बहुत शुभकामनाएं भारतीय टीम को नेदरलैंड्स के खिलाफ उनके क्वार्टर फाइनल के लिए। और हमारा जो विशेष कार्यक्रम है गोल फॉर ग्लोरी, आप इसे यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं, प्रसार भारती स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए राकेश जी, आपका बहुत बहुत आभार। शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। Dilpreet fires it home, and what a finish by the youngest player in the Indian team. Goal for glory. अभी आप पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 पर आधारित विशेष कार्यक्रम गोल फॉर ग्लोरी सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।